साथियों, आप सबके डिमांड के अनुसार हम आ गए हैं लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहल लेकर जो करेंट अफेयर का है। साथियों, आप सब में से बहुत लोगों का डिमांड था साथियों कि सर यूपी पुलिस के लिए पढ़ाइए, तो अभी हमने आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस को रोककर हम यूपी पुलिस का सेगमेंट आज से शुरू कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा यूपी पुलिस में ये जो करंट अफेयर का सेगमेंट है बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। मैंने ऐसे प्रश्न को रखा है, एक अच्छे लेवल के प्रश्नों को चुन चुन कर इसमें रखा है साथियों, जो आपके आने वाले एग्जाम में राम बाण साबित होंगे। साथियों, इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, यहाँ पर मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप सारी चीजों को जहन में उतार लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा कंसेप्ट सीख कर यहाँ से जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में राम बाण साबित होगा साथियों। बहुत बढ़िया, तो चलते हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है साथियों। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया है। तो साथियों, आपसे प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। तो साथियों, लक्ष्य है जो सरकार का 2027 तक उत्तर प्रदेश को मलेरिया मुक्त बनाने का निर्णय है। एक बात और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है साथियों कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ऐसा फैक्ट भी पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं साथियों, कोई भी क्वेश्चन बड़ा नहीं होता है साथियों, उसका मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको वीडियो को देखना है, अच्छे से सुनना है। देखो ये क्या कह रहा है साथियों, बहुत बढ़िया कह रहा है, हाल ही में किसान दूरदर्शन किसान यानी डीडी किसान ने एक चैनल है साथियों, डीडी किसान, तो आप लोग को मालूम है एक दूरदर्शन बहुत पुराना और सरकारी चैनल है, दूरदर्शन को आप लोग जानते ही होंगे। तो वही दूरदर्शन ने 2015 में किसानों के लिए एक अलग से चैनल खोला, डीडी किसान। तो डीडी किसान ने अभी जो है दो जो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है समाचार पढ़ने के लिए, यानी जो पहले आदमी पढ़ते थे, अब एक तरह की मशीन पढ़ेगी रोबोट की तरह, तो वही जो है डीडी किसान चैनल पर दो AI एंकर की शुरुआत की है, यानी वहां कोई हमारे आपकी तरह इंसान नहीं होगा, वहां AI होगा यानी एक तरह का रोबोट होगा, वही जो है किसानों को समस्याओं से संबंधित जानकारी देगा डीडी किसान चैनल पर। तो वही कह रहा है उसका नाम क्या है, वो जो जिन AI एंकरों की शुरुआत की गई है उसका नाम क्या है साथियों, AI कृष और AI भूमि। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होगा हमारा, AI कृष और AI भूमि, याद रखिएगा। मैं थोड़ा इसलिए समय आपका ले लेता हूं क्योंकि ज्यादा से जानकारी दे सकूं, आपकी प्रोडक्टिविटी 3-4 गुना तक बढ़ सके, इसलिए। तो चले हम लोग पहला प्रश्न देख लिए, हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। यहाँ साथियों कह रहा है तीसरे वाले में, तीसरे प्रश्न में, हाल ही में खबरों में रहा नेगलेरिया फाउलेरी क्या है। नेगलेरिया फाउलेरी साथियों एक प्रकार का अमीबा है, आप लोग जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय होता है। विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा, खबरों में रहा नेगलेरिया फाउलेरी। ऐसे ऐसे टर्म्स को याद रखिएगा, ऐसे टर्म्स पूछ लेता है तो बच्चों का दिमाग नहीं काम करता है, क्या हो सकता है, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अब देखें चौथे में, दिखने में भारी लग रहा है लेकिन जरा सा भी दम इसमें नहीं है साथियों, आप लोग बस देखिए, ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन है इसमें। तो साथियों थोड़ी सी ऐसी जानकारी होती है, यहाँ आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा नहीं है, यहाँ आप लोग बहुत सारा फैक्ट सीखेंगे, हो सकता है यहीं से आपको पूछ लिया जाए। कराए हाल ही में चर्चा में रहा विवेकानंद राक मेमोरियल। अभी साथियों जब सातवां चरण का जब चुनाव होने वाला था तो मोदी जी यहाँ पर विवेकानंद राक मेमोरियल पर जाकर ध्यान कर रहे थे, तो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि यह जो सातवें चरण के वोटर्स को जो है रिझाने के लिए मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में ये सवाल पूछा है। विवेकानंद राग मेमोरियल संदर्भ में दो कथन दिया है, इसी दोनों को पढ़कर हमें उत्तर देना है सही उत्तर कौन सा है। तो साथियों आप लोग को मालूम है इसका औपचारिक उद्घाटन 1973 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी द्वारा किया गया था। साथियों ये गलत है, गलत केवल यहाँ है, बीबी राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति बीबी गिरी के द्वारा किया गया था, ये बात सत्य है, लेकिन 1973 में नहीं, 1970 में किया गया था, तो ये बात गलत हो गया, 1970 में किया गया था, तो पहला वाला गलत हो गया हमारा। दूसरा है साथियों, ऐसा मान्यता है कि स्वामी विवेकानंद को इस राग पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यस, 3 दिन स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पर जो है ध्यान किए थे और अपना वहां पर रुके थे, तो ये दो वाला सही है, यानी केवल दो सही है, सी वाला हमारा उत्तर हो, केवल दो सही है बस। आगे देखें हम लोग क्या है पांचवा में, साथियों पांचवा में हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से
हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे अधिक शिकायत किस राज्य से प्राप्त हुई है। तो साथियों, जब ये प्रश्न को मैंने देखा तो मैंने हमें लगा कि यार मणिपुर में हिंसा चल रहा है वहां होगा, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय महिला आयोग को सबसे ज्यादा शिकायत मिली है 2024 में, वो उत्तर प्रदेश से मिली है। लगभग 12,000 से ऊपर, 12,500 से ऊपर जो है शिकायत उत्तर प्रदेश से मिली है, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, दिल्ली से जो है महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायत दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का ये आंकड़ा है। आगे चले हम लोग देखते हैं। देखें, छठवां में हमसे पूछ रहा है साथियों कि हाल ही में खबरों में रहा कोया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। कोया जनजाति का संबंध पूछ रहा है किस जात से है, तो इसलिए साथियों यह चर्चा में आया, कोया जनजाति के लोग जो हैं वो महुआ से शराब बनाते हैं, तो उस शराब को पीकर कुछ लोग अंधे हो गए, किसी कुछ लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने यहाँ इन जनजातियों पर छापा मारा था, बनाने नहीं दे रही थी शराब, तो इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चर्चा में थे। तो ये कोया जनजाति आंध्र प्रदेश और ओडिशा में है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश ओडिशा, दार शराब पिलाकर लोग अंधे हो गए, इससे समझ लीजिएगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो आगे चले हम लोग। अब आज सातवां में क्या है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको दो कथन दिया है, इन्हीं कथनों पर विचार करके हमें जो है सही उत्तर देना है। तो साथियों, प्रश्न बड़ा आपको लग रहा होगा, इस पर ध्यान न दीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए, आप यहां से सीखते क्या हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय साथियों भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दें। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह गुप्त वंश में बनवाया गया था। गुप्त वंश में किसके शासनकाल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, जिसे जो है बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था जलाकर। तो अभी उसका जो है नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो है फिर से नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किए हैं। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है, और दूसरा वाला जब पढ़ेंगे, इस कैंपस के भीतर सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर जो है खुद का जो बिजली होगी यहाँ से खुद का उत्पादन किया जाएगा, यानी यहाँ नेट जीरो कैंपस बनाया गया है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन हमारे सही हैं, तो हमारे यहाँ दोनों के दोनों कथन सही है साथियों, तो विकल्प नंबर हमारा बी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है ये तो जानते ही हैं, बिहार में है, ये बिहार के नालंदा जिले में एक राजगीर स्थान है, वहीं पर है। पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है साथियों, आपसे पूछ रहा है, हाल ही में खबरों में रहा जैतखंभ का संबंध किससे है। तो जैतखंभ साथियों एक पवित्र संरचना होती है सतनामी समाज की, तो सतनामी समाज की एक पवित्र संरचना होता है जैतखंभ। इसी को लेकर जो है कुछ सतनामी समाज के कुछ लोग पुलिस अधीक्षक पर या पुलिस ऑफिस में हमला कर दिए थे, ये सतनामी समाज के लोग, उनका कहना था कि पुलिस ने हमारे जैतखंभ, जो हमारा पवित्र संरचना है, इसको जो है खंडित किया है, इसको चोट पहुंचाया है। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, जैतखम का संबंध सतनामी समाज से है। नौवां में हम लोग देख लें, अगर नौवें में साथियों क्या कह रहा है हमारा, हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को डैग हेमशोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो साथियों, धनंजय कुमार सिंह को जो है डैग हेमशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह उस व्यक्ति को दिया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र में जो है अपना सेवा प्रदान किया हो शांति मतलब के क्षेत्र में। तो विकल्प नंबर ए हमारा यहाँ सत्य है। दसवां में देखें क्या है, हमें कह रहा है जीमेक्स 24, जीमेक्स 24 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है जो 2024 में हुआ, इसका 8वां संस्करण हुआ, कह रहा है ये कहाँ पर हुआ। तो साथियों ये हुआ जापान, जीमेक्स जो आप जान लीजिए, जीमेक्स जो अभ्यास है एक तरह का समुद्री अभ्यास है, ये इंडिया और जापान के बीच होता है। तो इसका जो हुआ था 8वां संस्करण इस बार, तो ये जापान के योकोसुका में हुआ था, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। साथियों 11वें प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो प्रक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह में शामिल नहीं है। तो ध्यान देना है कौन सा नहीं है, तो कोलंबो प्रक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह में अफगानिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश, कंबोडिया, ये तीनों शामिल है, मालदीव शामिल नहीं है। तो उत्तर हमारा मालदीव हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन 12 में साथियों हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र
महासभा द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है। तो आप लोगों को मालूम होगा अभी पाकिस्तान सहित कुछ देशों को जो है ये संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी जो है अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो उसमें था साथियों यहाँ पर हमारा जो पाकिस्तान था, डेनमार्क था, ग्रीस था। तो विकल्प नंबर बी हमारा ये रवांडा नहीं था। तो यही उत्तर हमारा हो जाएगा, विकल्प नंबर बी रवांडा हो जाएगा साथियों। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं हमारा जो 12वें का उत्तर, उसका उत्तर बी हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि किस विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 यानी 2024 का जो विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट आई है तो उसमें भारत का स्थान कितना है, भारत का स्थान कितना है ये बताना है। तो साथियों इसमें भारत का स्थान विकल्प नंबर बी हमारा 129 है, और 127 जो था साथियों हमारा, 127 जो है ये 2023 में था, 127 ये जो दिया है ये 2023 में था। 2023 का पूछे तो भी बता देना, और 129 ये 2024 का है, 2024 हमसे पूछा है तो ये बता दिए हम। आगे देखें 114 मतलब 14 वाले प्रश्न में क्या है हमारा। हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी कहाँ किया गया, तो साथियों यह इटली में किया गया, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। एक इसके साथ एक और फैक्ट जुड़ा है कि मोदी जी जैसे ही चुनाव जीते सबसे पहली यात्रा उनकी इटली की थी, इसी में शामिल होने के लिए मोदी जी गए थे चुनाव जीतने के बाद, ये वाला चुनाव। तो विकल्प नंबर सी इटली, अगर इटली का स्पेसिफिक नाम पूछ ले तो नाम भी बता देना, अपुलिया में, पुलिया आप लोग जानते ही हैं, अपुलिया में हुआ था। तो चले हम लोग अगला देखते हैं, 15 वाला प्रश्न देखें, देखने में बड़ा है इसमें कोई दम नहीं साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो है भयभीत हो जाते हैं ऐसे प्रश्नों से। तो हाल ही में कार्यस्थल प्रबंधन के मामले में, कार्यस्थल प्रबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, कौन सा रेलवे स्टेशन देश में पहला स्थान पाकर अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। तो उस स्टेशन का नाम बताना है साथियों, रेलवे स्टेशन का नाम बताना है आपको उत्तर प्रदेश का, जो देश में पहला स्थान पाकर अंतरराष्ट्रीय साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। तो साथियों बनारस का रेलवे स्टेशन है, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा ये वाला। आगे देखते हैं हम लोग क्या है अब हमारा 16 में। हाल ही में इस संगठन यानी कौन सा ऐसा संगठन है जो अपने चार्टर को लागू किया है। तो साथियों बिम्स्टेक ने, बिम्स्टेक एक संस्था है जो बंगाल के खाड़ी के किनारे देशों का संगठन है एक तरह का, तो जिसमें भारत भी शामिल है। तो बिम्स्टेक ने अपने चार्टर को लागू किया है, बिम्स्टेक का जैसे यहां पर आप लोग देख लिए ऐसे इसका ऐसे लिखा जाता है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में जो बंगाल के खाड़ी किनारे देश हैं उसका नाम भी इसमें छिपा है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार जो है, श्रीलंका और ये थाईलैंड, और ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऐसे पूरा फुल फॉर्म इसका देखना चाहेंगे आप, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा आप लोग। आगे देखें हम लोग 17 में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस देश से अपने घरेलू भंडार में स्वर्ण प्रत्यावर्तन का निर्णय लिया गया है। तो साथियों आप लोग को मालूम होगा हमारा देश जब 1991 में आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उसमें एलपीजी सुधार हुआ था तो कर्ज लिया गया था बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग 400 जो है बिलियन डॉलर के आसपास। तो उस समय ये कर्ज लिया गया था तो अपने देश का सोना गिरवी रखा गया था ब्रिटेन में, हालांकि उस कर्ज को जो है चुका दिया गया था एक साल के अंदर, लेकिन कुछ कारणों से वो सोना अभी तक वहीं पड़ा था। तो भारत ब्रिटेन से उसी सोना को ला रही है जो अपने यहाँ उसे रखेगी। तो विकल्प ए हो गया, वही आपसे पूछ रहा है आरबीआई ने किस देश से अपने घरेलू भंडार में स्वर्ण प्रत्यावर्तन का निर्णय लिया है, तो ब्रिटेन से ला रही है, विकल्प ए हो जाएगा। 18 में देखते हैं साथियों। हाल ही में खबरों में रहे पंप और डंप, यहाँ डंप होगा, पंप और डंप स्कीम का संबंध किससे, तो साथियों शेयर मार्केट से है पंप और डंप। आगे देखते हैं हम लोग 19 में। हाल ही में खबरों में रहे टिसलेनिन, जुमैव और जनुब्रुटिनिब क्या है। तो साथियों ये दोनों जो शब्द हैं टेक्निकल शब्द, ये कैंसर की दवा है, ये जो है विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा, याद रखिएगा इन दोनों टर्म्स को। आगे देखें हम लोग 26 में। हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उत्तर प्रदेश के किस संस्था को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उत्तर प्रदेश के
अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को फ्रॉड घोषित कर दिया, डिफॉल्टर घोषित किया है। हाल ही में खबरों में रहे, यहां पर साथियों ग्लिसे 12B क्या है ये आपसे पूछ रहा है, अभी खबर में रहा। एक तरह का एक बाहरी ग्रह होता है साथियों, जो लगभग पृथ्वी के थोड़ा बराबर है। तो विकल्प नंबर जो है एक हमारा हो जाएगा बाह ग्रह, ए हो जाएगा। तो आगे देखें हम लोग 22 में, हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया है, तो उस कंपनी का नाम बताना है साथियों। तो अग्निकुल कॉस्मस, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, ये 22 का डी हो गया। बहुत बढ़िया, आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। तो 22 का हमारा उत्तर डी हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न 23 वाले में, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने लकड़ी से बनी दुनिया की पहली सैटेलाइट, जिसका नाम लिग्नोसैट है, वो निर्मित किया है। तो साथियों यह जापान के शोधकर्ताओं ने ऐसा निर्मित किया है, लकड़ी से बना सैटेलाइट जिसका नाम लिग्नोसैट है। तो साथियों 24वें में हमसे पूछ रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ओडोक्लेडियम सहयाद्रिकम, कुछ संस्कृत टाइप का नाम लग रहा है आपको, तो ओडोक्लेडियम सहयाद्रिकम क्या है? तो ये साथियों एक तरह का शैवाल की प्रजाति है, शैवाल की नई प्रजाति खोज की गई है, वही है ये, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ऐसे टर्म्स को याद रखिए, सीधा सीधा यही टर्म पूछ लेगा आपसे। तो 25वां में क्या है साथियों, किसे सुंदरम साहित्य शिरोमणि सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो साथियों डॉक्टर शोभा त्रिपाठी को सुंदरम साहित्य शिरोमणि सम्मान 2023 प्रदान किया गया। 26वें में कह रहा है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है ये आपसे पूछ रहा है साथियों। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये ऐसे प्रश्न जो होता है खास करके विभिन्न एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, डेट बताइए, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे करके। तो जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है साथियों 1 मई को मनाया जाता है, यही उत्तर होगा। और यहाँ पर साथियों जो 5 जून है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यहाँ ये 5 जून को, सॉरी ये 5 जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस। और 21 जून को तो आप लोग जानते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। तो हमारा फिलहाल उत्तर ए हो जाएगा, विश्व दुग्ध दिवस का। 27 का क्या है साथियों हमारा, 27 में हमसे पूछ रहा है वह देश जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना, तो कौन सा देश बना साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99th जो है सदस्य बन गया है, तो स्पेन बना है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गया है, होली में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, साथियों होली नहीं साथियों हाल ही में होगा, यहाँ गलती से टाइप हो गया है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का देश जो है समलैंगिकता को मान्यता देने वाला थाईलैंड है, विकल्प नंबर बी, ये याद रखिएगा, ये दक्षिण पूर्व एशिया पूछ रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में बात कर रहा है, तो थाईलैंड है, तो ये श्रीलंका तो ये दूसरे का है, ये होगा नहीं, विकल्प नंबर यही है थाईलैंड। देखें 29 में, हाल ही में रामसर साइट में शामिल किए गए नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों बहुत ज्यादा चर्चा में थी, हम उसको जो है रामसर साइट के बारे में बहुत पूछा जाता है, अगर आपसे पूछ ले अपने भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो इस समय 82 रामसर साइट हैं, 80 था, दो अभी बिहार में, एक नागी और एक नकटी जो है शामिल किया गया, तो इससे कुल जो है 22 हमारे देश में रामसर साइट, रामसर में शामिल होने वाले स्थल हो गए। लेकिन अगर केवल बिहार में पूछा, क्योंकि ये बिहार में हुआ है, बिहार में से अगर आपसे पूछे तो इसके शामिल होते बिहार में अब कुल 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो रामसर स्थल में, रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। तो ये नागी और नकटी पूछ रहा है सेंचुरी, वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो बिहार में है। देखें ताजा आंकड़ों के अनुसार जनधन अकाउंट खुलवाने के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो साथियों पहला है उत्तर प्रदेश का स्थान, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 32 में यह पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में रहे सुंधनु कागीगर, सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी किस
किस देश से संबंधित है? साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्वालामुखी कहाँ हुआ? तो अभी हाल ही में ज्वालामुखी हुई थी ये जो है आइसलैंड के सुंधनु कागिर में। तो विकल्प नंबर सुंधनु कागिर ज्वालामुखी किस देश में है? तो आइसलैंड में है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा, 32 का डी। तो 23-35 में कह रहा है कि हाल ही में किस द्वीपी देश ने भारत की रुपे सेवा अपने देश में शुरू करने की घोषणा की गई है? तो साथियों मालदीव ने भारत की जो रुपे है सेवा प्रणाली है तो इसको अपने यहाँ शुरू किया है, शुरू करने की घोषणा की है। तो 34 में क्या कह रहा है हमसे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरस्कार एकल खिताब अपने नाम किया है? तो साथियों कार्लोस अल्काराज ने यह फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया गया है, जबकि जो उप विजेता थे वो अलेक्जेंडर थे ये। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा, अगर फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष जो है उप विजेता पूछे तब ये आप अलेक्जेंडर लगाएंगे। आगे देखें हम लोग 35 में, देखें इसमें आपसे पूछ रहा है, सिंपल सा प्रश्न है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2024, देखिए आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये कहां पर किया गया साथियों, तो आईआईटी बीएचयू में किया गया है। 35 का हमारा उत्तर डी हो जाएगा। 36 में क्या पूछ रहा है हमसे, हाल ही में चर्चा में रही कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो कबक यानो अरुणाचल प्रदेश की साथियों यह नेशी जनजाति से संबंधित है, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे देखें 37 में, हाल ही में कौन सा बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बना? तो रोहित शर्मा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। साथियों ये 38 वाले प्रश्न में कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा कनलाओन ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? कनलाओन ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो साथियों यह फिलीपींस से संबंधित है, विकल्प नंबर ए। 39 में, हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो भारतीय थल सेना का जो प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की गई, इसके पहले साथियों ये जो मनोज पांडे थे लेकिन ये रिटायर हुए, और रिटायर हो मतलब जून में इनका कार्यकाल खत्म हुआ, इसके बाद किसने घोषणा किया गया? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, यहाँ दो बार जनरल उपेंद्र ही लिखा गया है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा हमारा उत्तर होगा ये। 40 में देख लें, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो साथियों ये जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है इसे सरकार ने जो है विश्व स्तरीय नागरिक विमानन सुविधा के रूप में विकसित करने का घोषणा किया है। 41 में साथियों हमसे पूछ रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी आईटीयू के WSIS 20 फोरम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों यहाँ पर चार नाम दिए गए हैं, जिनेवा, टोक्यो, नई दिल्ली, ब्यूनस आयर्स। तो इसका जो सही उत्तर है जिनेवा में होगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो विकल्प नंबर ए इसका उत्तर हो गया। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है हमारा ये उत्तर जो है हमारा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2024 में यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो साथियों यहाँ पर चार दिए हैं, 176, 172, 177, 178। तो इसमें जो इस साल भारत को जो है पर्यावरण प्रदर्शन में सूचकांक में स्थान मिला है साथियों, तो इसका हमारा 176 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। आगे देखें, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया है? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन कौन सी संस्था ने किया है? तो साथियों विश्व आर्थिक मंच ने किया है, विकल्प नंबर ए हो गया।
तो साथियों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, इसमें क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2024 में ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में, किस किस मामले में, ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है। तो साथियों तमिलनाडु आगे रहा है, यहाँ बी होगा हमारा विकल्प, यहाँ सी होगा। तो विकल्प नंबर बी, तमिलनाडु जो है सबसे आगे रहा है ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक हासिल हुई। तो साथियों भारत को 109वीं रैंक हासिल हुई है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 वाले में। आगे देखें 47 में, 47 में साथियों कह रहा है कि आई हैव स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी या जो पुस्तक लिखी गई है, तो यह किसके द्वारा लिखी गई है। साथियों यही आपसे पूछ रहा है 47 वाले में, ऐसे पुस्तक का नाम दे देगा कोई और, दे देगा पूछ देगा ये कौन सा, किसने लिखा है। तो ऐसे प्रश्न, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा 47वां प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा साथियों ये हरमिंदर सिक्का, ये आर अश्विनी, विकल्प फिर यहाँ उल्टा हो गया है, तो यहाँ बी होना चाहिए था, यहाँ सी। तो आर अश्विन ने लिखी है, विकल्प नंबर बी हो जाएगा हमारा, यही उत्तर होगा। तो साथ ही हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा एक द्वीप है, उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी द्वीप। तो कह रहा है ये किस महासागर में है। तो पापुआ न्यू गिनी द्वीप, पी से पापुआ, पी से प्रशांत महासागर, तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा हमारा, पापुआ न्यू गिनी द्वीप। 49 वाला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के मतलब जो 2024 के विजेता हैं ये कौन है साथियों, तो ये हैं जेनी एरपेन बेक, तो विकल्प नंबर ए हो जाएगा हमारा यही। 50, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है इसमें, हाल ही में संपन्न हुआ आईपीएल 2024 के ऑरेंज कैप विजेता कौन है। तो ऑरेंज कैप विजेता जो घोषित किया गया साथियों विराट कोहली को, विकल्प नंबर ए। तो साथियों यहाँ पर हमने टोटल 50 करंट अफेयर जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अच्छे लेवल के प्रश्न बताया, हमने बच्चों वाले प्रश्न नहीं बताए हैं, और जो प्रश्न बताए एक अच्छे लेवल का उसे एक्सप्लेन भी मैंने अच्छे से किया है। तो ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग जरूर मंथन करिए, ऐसे ही अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम ऐसे ही प्रश्न, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस लाऊं, तो आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि सर आपको हमारा मतलब आपका वीडियो हमें कैसा लगा। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में। तो तब तक के लिए हम लोग फिर मिलेंगे, नमस्कार।